गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे अखण्डानन्दबोधेन शिष्यसन्तापहारिणि परमानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे वन्दागुरुपदकञ्जे कृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जे जासुवचनरविकरनिकरीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवाम् भागं पाणमहासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवशनाथं शरणागतदीनार्थ परित्राण परायण सर्वस्यार्ति हरदेव हे श्रीरामनमु स्तु ते <laughs> प्रणवा पवनकुमा खलबन पावकज्ञानगण सूर्यदयागार बसहि राम शरचापदर रामचरितमान विमल सन्तन जीवन प्रान्दुवान् को वेद सम जन प्रगट कुरा बन्दा तुलसी के चरण चरणो जग काज कलिसमुद्रुडतलो प्रगट्यो सप्त जहाज जड चेतन जग जीव जे सकल राम में जानि बंदा सबके पद कमल सदा जूरी सियावर राम चंद्र भगवान की जय श्री सदगुरुदेव भगवान की जय उमा पति महादेव की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय मैया की जय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय सब संतन की जय सब की जय 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 सीताराम जय सिया राम जय भगवान सूर्य सुजान नवीन युग प्रति प्रती जे असी कला प्रवीण भरत भैया शत्रुघ्न जी के समान और छेल छबिले गण सभी अपने अपने यान पर बैठकर और तरह तरह के घोड़ों को नाच नचाते हुए जो कुशल है उनको नचाने में ऐसी कला में जो प्रवीण है कुशल है वैसे सब बारात सजा कर चले हैं बांधे बीर दीर गाड़ी निकसी भय पूरे बाढ़ फिरहि चतुरगति नान हहि धुनि सुनि पनव निशानारिथि विचित्र बनाये ध्वज पताकमणिभूषण लाये चमर चारु किङ्कणि ध्वनि करी होते ते सांवकरन् गणित सारथिन जोते, सुन्दर सकल अलङ्कृत बिलोकत मुनि मन मुहे जे जल चलहि थलहीं केनाय तापन बेग दिकाई अस्त्र शस्त्र सब साज सजा रथि सार ली बुलाये बाधे वीरदीरगाडे पुर बाहिर टाडे रण अपने बीरत को बांध कर सजा कर और सब वीर चले हैं जो रणधीर रणवीर है नगरी से बाहर सब एकत्रित हो गए और चतुर घोड़ों को तरह तरह के नाच नचा रहे हैं और राजी हो हो कर सब पवन ग, पना और निशान भेरी और नगाड़े की आवाज सुन सुनकर सब राजी राजी हो रहे रथ सारथी ने विचित्र बनाए इतने सुंदर विचित्र ढंग से रथों को सजाया गया है ध्वज पताक मणि भूषण लाए ध्वजा पताका मणि रथ को भी ऐसे सुंदर सुंदर आभूषण से सजाया गया है चवर चार किंग गुंग, किनिधनी कर ही घूंग घूंगरे की आवाज घुँघरों की आवाज़ चंवर चारों की मीठी आवाज़ जैसे सूर्य नारायण भगवान के रथ के रथ को भी लज्जित करने वाले ऐसे सुंदर रथ सजाए गए हैं सावरे कर्ण वाले घोड़े अनेक प्रकार के अनेक घोड़े तैयार किए गए हैं शाम कर्ण के घोड़े उत्तम माने जाते हैं ऐसे घोड़े अनेक गिनती गिनती में बहुत सारे एकत्रित किए गए ते तीन रथिन सारथिन जोते ऐसे घोड़ों को रथ में जोता गया है सुंदर सकल अलंकृत सोहे सुंदर आभूषणों से उनको सजाए गए हैं जिन्हें बिलोकत मुनि मन मोहे ऋषि मुनियों के मन भी उन घोड़ों को देखकर मन मोहित हो जाए ऐसे सुंदर घोड़े सज रहे हैं जे जल चलें थल ही की ना ही जल पर भी वो थल की भांति चले जा रहे हैं और इतनी तेज गति है उनके चलने की टेटापन बूढ़ बेग अधिकाई उनके उनके पैर जल में जरा से भी डूबते भी नहीं है इतनी तेज गति से वो जल पर भी चले जा रहे हैं अस्त्र शस्त्र सब साज सजाई अपने अस्त्र शस्त्र को सजाकर और सारथियों ने रथी को बुला लिए सब रथ अपने अपने रथ में अस्त्र शस्त्र के साथ सवार हो गए चडि चडि रथ बाहिर नगर लागी जुरन बरात होत तगुन सुन्दर सबहि जो जे कार जजात अपने रथ में सब चढ़ चढ़ कर और बरात जुड़ने लग गई है और जहाँ जो जाता है उसको मंगल सगुन होने लगे सुंदर एक एक को सुंदर मंगल सगुन मिल रहे हैं कलित करीवरनी परी कलित करीवरनी परी अम्बारी कही न जाए जे ही बाती सवारी चले मार गज गण्ट बिराजी मनहु सुभग सावन गनराजी मनहु सुबग सा गनगाजी गन वाहन पर अनेकविदना शिबिका सुभगसुखासनयाना दिनचरि चलेवी प्रवरवृन्दा जनु तनु धरे मागदसूत श्रुति छन्द मा गध सुत बी चरि जो जेहिलायक बेसरु ऊट वृषभ बहुजाति चले वास्तु बरी अगणित भाति कोटिन कावरी चले कहारा विविधवस्तुको वरणे पारा चले सकल सेवक समुदाय निज निज साज समाज बनाए। चक्रवर्ती महाराजा दशरथ जी जो सम्राट है उनके यहाँ से और साक्षात ब्रह्म के लिए बरात जुड़ी है उस बरात का वर्णन कौन कर सकता है कलित करीवर्नी परी अंबारी उत्तम प्रकार के हाथियों पर ऐसी ऐसी सुंदर अंबारी सजी हुई पड़ी है कहीं ना जाए जे भांति सवारी उसको कहते नहीं बनता है जिस प्रकार से उसको संवारा गया चले मतगज घंट बिराजी ऐसे मतवाले हाथी घंट की आवाज सुन बजाते हुए चले जा रहे हैं मानो सावन महीने के काले घन बादल चले जा रहे हो गराट अपनी आवाज करते हुए गरजते हुए वाहन अपर अनेक विदाना अनेक प्रकार के वाहन विधविध प्रकार के चले जा रहे हैं उसमें अनेक प्रकार की पालकियां जय बहुत सुंदर कुर्सियां वगैरह अंदर सजे हुए हैं उत्तम प्रकार के ब्राह्मण देवता ब्राह्मणों के वृंद उसमें विराजमान है ऐसा लग रहा है साक्षात वेद के छंद शरीर धारण किए हुए हो मागध सूत बंदिगुण गायक बंदीजन गुण गाने वाले भाट चारण वगैरह और सूर्य कुल की कीर्ति गाने वाले चले जान जे जो जे लायक जिनके के जो लायक जो सवारी थी उस पर चढ़कर सब जा रहे अनेक प्रकार के खच्चर ऊंट प्रकार के बैल वगैरह पशु सब अपने अपने ढंग से अनेक प्रकार की सामग्री अपने पे वस्तु लिए हुए अनगिनत चीजें लेकर चल रहे हैं कोटिन कांवरी चले कहारा करोड़ों कहार लोग अनेक प्रकार की वस्तु लिए हुए आगे चले जा रहे हैं चले सकल सेवक समुदाय सेवकों का समुदाय आगे चले जा रहा निज निज साज समाज बनाई अपना अपना समाज बनाकर अपने समाज के साथ सेवक गण भी बहुत सारे चल रहे हैं सबके उर निर्भर हरष पूरित पुलक शरीर कब देखिए नयन भरी राम लखन दो वीर सबके हृदय में इतना आनंद छारा एक ही लालसा बनी हुई है पुल की शरीर है उनके और एक ही लालसा से जल्दी आगे दौड़े जा रहे हैं जैसे जल्दी से जल्दी हम राम लखन दोनों वीर को देखें जल्दी से उनके दर्शन कर पाए उसकी लालसा में चले जा रहे गज घंटा दूनी गो पूरा ही सच सचरा निधरी घन ही गुम रही निशाना निज पराय कछु सुनियन काना महावीर भूपति के द्वारे रज हो जाई पशान पवारे चढ़िया देख नारी लिए आरती मंगल थारी गावहि गीत नाना अति आनन्दन जाई बखाना तब सुमत दुस्यंदन साजी जो तेरवि हय नक बाजी दूरथ रुचिर पूयानी नहीं शारद पहि जाई बखाने राज समाज एकरथ साजा दूसर तेज पूज जाति प्राजा गाजहीं गज गर गज घंटा दुनी गोरा रथ रचरा गरजहीं गज घंटा दुनी घोरा गज घंटा दुनी हाथी मतवाले ऐसे चले जा रहे उनके घंट की मधुर ध्वनि ऐसी गूंज रही है रथरव बाजी हिंस चरा रथ की घर आवाज और घोड़ों की हिनिनाट ऐसे सभी मधुर ध्वनि के साथ आगे बढ़ते जा रहे निदरी घने ही घूम मरे ही निशाना ऐसे ढोल नगाड़े बज रहे हैं शहनाइयाँ बज रही है भेरी धुंदुबी की आवाज़ सुनाई दे रही है निज पराय कछु सुनाई न सुनाई न काना ना किसी के बोली हुई बात सुनाई दे रही है ना अपनी बोली हुई बात अपने को खुद को सुनाई दे रही है महावीर भूपति पति के द्वारे महाराजा दशरथ जी के द्वार पर अपार भीड़ लगी हुई है कोई पत्थर फेंके तो वो भी तरह तुरंत ही रजकन बन जाए ऐसी महान भीड़ जमी हुई है चढ़ी अटारी न देखे नारी नारी समाज मर्यादा से अटारियों में चढ़कर ये बरात जुड़ी हुई उनको देख जा रही है हाथ में सुंदर सजी हुई मंगल आरती सजी हुई थाली लिए हुए हैं गावे गीत मनोहर नाना बहुत ही मधुर स्वर में मंगल गीत गा रही है सखिया अति आनंद न जाय बखाना उनके हृदय का आनंद कहीं समाता नहीं है तब सुमंत संदन साजी मंत्री सुमन जी ने दो सुंदर रथ तैयार किए हैं जोते रवि है निंदकबाजी उनके ऐसे घोड़े जोते हुए हैं जो सूर्य नारायण के भगवान के घोड़े को रथ रथ के घोड़ों को भी लज्जित कर दें दो रथ रुचिरे भूप पहने दो सुंदर रथ तैयार करके महाराजा दशरथ जी के आगे रख दिए गए जो सरस्वती जी भी उसका बखान वर्णन नहीं कर पाती है ऐसे सुंदर रथ सजे हुए हैं एक तो राज समाज से सब सजा हुआ रथ है और दूसरा अति दिव्य तेज पुंज रथ है जो शोभायमान हो रहा है, रुचिर वशिष्ठ का हर्ष चढ़ाई नरेश ऐसे जो तेज पुंज रथ है, दिव्य रथ है उस पे वशिष्ठ जी को चढ़ाए उनको विराजमान किए महाराजा दशरथ जी ने और बाद में खुद अपने सर राज समाज से सजा हुआ रथ पे विराजित हुए लेकिन रथ पर चढ़ने से पहले शिव पार्वती जी गणेश जी और गुरुजनों का स्मरण करके महाराजा दशरथ जी रथ में विराजित हुए सहित वशिष्ठ सोहन रूप कैसे सुर गुरु संग पुरंदर जैसे करी कुल तिवे दिराऊ देखी सब ही सब पाती प्रपा देखी सब ही सब भांति बनाऊ सुमिरी राम गुरु आय सुपाई चले मही पति शंख बजाई हर खे बिलो की बराता बर ही सुमन सुमंगल दाता भय है गाजे व्योम बरात बाजने बाजे सुर नर नारी सुमंगल गाई सरस राग बाज सहनाई घण्ट घण्टी तुनि बि न जायि सरब करहि पाईक फराय हि विदूषक कौतुक न हास कुशल कलगान सुजान सहित वसिष्ठ सोह नृप संग पुरंदर जैसे सहित वसिष्ठ सोह नृप कैसे सहित वसिष्ठ सोह नृप कैसे महाराजा दशरथ जी अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी समेत कैसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे सुरगुरु देवगुरु, बृहस्पति के संग इंद्र सुशोभित हो रहे हो करी रीति वेद विधि राहू अपने कुल की परंपरा वे जो कई रीति थी वो किए वेद की विधि विधान वो भी संपूर्ण किए और देख सब सब भांति बनाऊ देखते देखते सब प्रकार से बरात बन गई है सुमेरी राम गुरु आय सुपाई भगवान श्री राम जी का स्मरण किया गुरुदेव की आदेश लिया आज्ञा ली और महीपति पृथ्वीपति दशरथ महाराजा शंख बजा बारात प्रस्थान कर रहे जनकपुर की ओर रखे भूत बिलो की बराता ऐसी सुंदर दिव्य बरात देकर देवता लोग भी अति प्रसन्न है राजी राजी हो रहे हैं सुमन सुमंगल दाता और सुमंगल सगुनकारी पुष्पों की वृष्टि किए जा रहे हैं भयंकुला हल है गये इतने हाथी रात घोड़ों की सब घन घर गर घराट और आवाज मधुर हो रही है आकाश मार्ग में और लोक में दोनों जगह बरात में बाजे बज रहे हैं नगाड़े बज रहे हैं सुरनर नारिस मंगल गाय देवताओं की पत्नियां और इधर मनुष्य लोक में भी बरात में सब मंगल गीत गाने गा जा रहे हैं सरगर सरस राग बाजे शहनाए सुंदर मधुर ध्वनि में शहनाइया बज रही है घंट गंत घंटी धुनी बरणी न जाए इतने प्रकार के घंट और घुंघरिया बज रही है जिसके सरब करें पायक फहराई और जो रास्ते चलते हुए रथ और नगाड़ों की आवाज़ के साथ खेल तमाशा करने वाले कसरतबाज वो सब अपना तमाशा दिखा रहे हैं हास कुशल कल गान जो मस्करे हैं वो अपने ऊंचे उछल उछल कर अपना खेल बताए जा रहे हैं तुरग नचा वहीं कुर वरक निमृदंग निशान नागर नट चित चकित डगहीन ताल विदान ऐसे घोड़ों को नचाए जा रहे जैसे नगाड़े और शहनाइयों की आवाज के साथ किन जो नट लोग हैं नाचने वाले वो बराबर ताल मिला रहे हैं एक भी ताल नहीं टूटता घोड़े इस तरह से मधुर ध्वनि के साथ ही अपने ताल मिलाकर नाच रहे हैं बनै बरणत बनि बराता ओहि सगुन सुन्दर शुभदाता चारा चाशवाम दिशलेहि मनहु सकल मङ्गल कहि दे दाहिन काग सुखेत सुहावा नकुल दर्श का पावा सनुकूल बह बयारी सगट सबाल आव लोवा फिर फिर दरश दिखावा सुर भिसनमुख शिशुहि पियावा मृगमाला फिरि दाहिन जङ्गल जन करी दिखाय क्षेम विषेखी श्यामा वाम सुतरु पर देखी सन्मुख रुमीना कर पुस्तक दुवि प्रप्रवीणा बने बराता ओ सुंदर शुभदाता बने न बनी बरा ऐसी बरात सजी है कि कहते नहीं बनता है चारों और मंगल सगुन हुए रहे एक साथ सब सगुन एक साथ आ गए हैं नीलकंठ पंची बाई और चारा चुग रहे हैं मानो के सारे मंगल का निशानी बता रहे हैं मंगल सगुन दे रहे हैं और दाहिनी और खेत में काग सुहावने लग रहे हैं सबको एक साथ नकुल के नेवला के दर्शन भी प्राप्त हुए हैं त्रिवी शीतलमन सुगंधी वायु बह रहा है और सुहागिनी बालक को गोद में लिए हुए और मस्तक पर जल के घड़े भरे हुए सामने मिलती हैं लोमड़ी बार बार दर्श दिखा रही है और गैया को बछड़े दूध पी रहे हो ऐसे बार बार दर्शन मिल रहे हैं मृगमाला फिर दाहिना आई मृगमाला बाहिनी दाई बाई और से घूमकर दाहिनी ओर आ गई मंगल गणजन दिन दिखाई जैसे वो मंगल सगुन व्यक्त कर रही हैं सफेद मस्तक वाली चील उसको क्षेम करी कहते हैं ऐसी अः क्षेम करी का क्षेम की वो विशेष कल्याण कर, कर रही है श्यामा वाम सुतरू पर देखी बाई और सुंदर वृक्ष पर श्यामा दिखाई दे रही है सा, सामने चलकर हाथ में दही मछली और दो सुंदर उत्त, उत्तम प्रकार के विद्वान हाथ में वेद के पुस्तक लिए सामने मिले हैं मंगलमय कल्याण मय सब अभिमतार मंगलकारी कल्याणकारी सभी प्रकार से मनोकामना पूर्ण करने वाले जन सब साचे हो नित सगुनवार एक साथ सारे सगुन प्रकट होकर वो सामने आ गए हैं मङ्गल सगुण सुगम सबताके के सगुण ब्रह्म सुन्दर सुत जाके राम सरिसवर दुलहिन सीता समदि दशरथ जनक पुनीता सुनिसह सगुण सबनाचे अब कि विरन्चि हम साचे ये विध किरा पयाना है गाजहि हे निशनावत जानिर्भूल के तुम सरितन जनक बंधाए से तू बीच बीच बरबास बनाये सुरपुर सरिसम्पदाय असन शयन वर वसन सुहाय पावै सब निज निज नितनूतन नूतन लखि अनुकूले सकल बराति न मन्दिर भूले मंगल सगुन सुगम सबता के सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके के मंगल सगुन मंगल सगुन सुगम सबता के एक साथ ये अनेक मंगल सगुन हो रहे हैं सगुन ब्रह्म जहाँ ब्रह्म स्वयं सगुण स्वरूप में सुंदर स्वरूप धारण करके प्रकट हुए साक्षात भगवान श्री राम जी दूल्हे महाराजा के रूप में और आद्य शक्ति जगत जननी माँ जानकी जी दुल्हन के रूप में विराजमान होने वाले और दशरथ जनक जैसे पवित्र समी इकट्ठे हुए हैं ऐसे समय पे सगुन सब, सब नाचने लग गए कि आज हमको विधाता ने सत्य करके बताया ऐसे समय पर हम सगुन दें तो ही हमारी सब सफलता है जीवन की यही विधि की न बरात पयान इस प्रकार से बरात प्रस्थान कर रही है जनकपुर की तरफ और महाराजा चक्रवर्ती सम्राट जनक जी भी देखें कि बारात आ रही है और सूर्य कुल के ध्वजा पता का रूप महाराजा दशरथ जी जनकपुर की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो उन्होंने अनेक नदियों पर पुल बंधवा दिए रास्ते में सुंदर सुंदर पड़ाव तैयार किए उनके रहने के लिए जहाँ बिस्तर कपड़े बिस्तर वस्त्र भोजन आदि जिसको जो चाहिए किसी चीज की खामी नहीं है अनेक प्रकार के चीजें वहाँ तैयार उनके आराम के लिए सजाई गई है <coughs> नित नूतन सुख लखी अनुकूल है नित नए सुख को देखकर सब अपने घर और परिवार के सुख को सब भूल गए हैं आवत जानी बरात बर सुनी गह गहे निशान जैसे ही देखे बराती बरात निकट आ रही है सामने ओर से भी नगाड़े बजने लग गए धुंधु भी शहनाइया बजने लगी सजी गजरथ पद तुरत चले लेन चले अगवान हाथी रथ घोड़े सजाकर अगवानी करने हेतु सम्मान करने हेतु अगवाने लोग आगे चले हैं कनक कलश भरी को पर राजन ललित अनेक प्रकार भरी सुदासम सब पकवानी नाना भाति न जाहि बखानी फल अनेक सुहाई हर्षि भेट हित भूप पठाई भूषण वसन महामणि खग मृग है गहुविधि मङ्गल सगुण सुगन्ध सुहाई बहुत भतिमहि पाल उपहार अपारा भरि भर काँरी चले कहारा जब दीख भराता उर आनन्द पुलक भर गाता देखि बनाव सहित सहितवा मुदित बराती नहने निशान कनक कलश बरी को पर थारा भाजन ललित अनेक प्रकार कनक कलश बरी को पर थारा सुवर्ण कलशो में अनेक प्रकार के बर्तन सजाए हुए उसमें शरबत ठंडाई तरह दूध जो भी जिनके लायक जिनको जो चाहिए उनके सम्मान हेतु भरे सुदासम सब पकवाने अमृत समान तरह तरह के पकवान भरे हुए अनेक थाल सजे हुए भांति भांति ने जहाई बखाने अनेक प्रकार के जिसका वर्णन भी संभवित नहीं है फल आदि अनेक प्रकार की वस्तुएं सजाई हुई भेंट में लेकर जा रहे हैं अनेक प्रकार के आभूषण वस्त्र महामणि और पशु पंछी हाथी घोड़े जो जो भी सवारी चाहिए इनके लिए वो भी साथ में लेकर जा रहे हैं एक साथ मंगल सगुन और सुगंधित द्रव्य अनेक प्रकार के कल्याणमय और मंगलमय चीजें लेकर जा रहे बहुत भांतिमय पाल पठाए महाराजा जनक जी ने अनेक प्रकार की सुगंधित कल्याणमय मंगलमय चीजें भेजी हैं दधी चिवरा उफह रपारा दही और चिवड़ा अनेक प्रकार के कांवड़ों में भर के कहार लोग चले हैं उनके चाय पानी नाश्ते के हेतु भगवान जब दीख बराता जब भगवानों ने बरात देखी अति आनंद छा गया उनके हृदय में श्रेयंग उनके पुलकित हो गए सब रोटे खड़े हो गए उनके देख ही बनाओ सहित अगवाना और जैसे ही अगवानों ने सारी बरात को बनी हुई देखी मुदित बराती न हने निशाना ईस और बराती लोगों ने भी अगवान ने को आते देख नगाड़े बजाने ढोल नगारे शहनाइया भेरी दुंदुबी बाजने लगे हैं हर की परस पर मिलन ही तछुक चले बगमेल जनु आनंद समुद्र दोए मिलत विहार सुल कुछ लोग जल्दी से उतावली में मिलने की लालसा से आ, समाज में से दौड़े चले ऐसे सरपट दौड़े हैं कि जैसे दो समुद्र आमने सामने उछल कर मिलने जा रहे हो इतनी उतावली से दौड़े हैं वर्षि सुमन सुर सुन्दरि गावहीं बजावहि वस्तु सकल राखी नृपयागे विनय की तिन अति अनुरागे प्रेम समेत समेतराय सबलिना सयाचक दीना करी पूजा मान्यता बड़ाई जनवासे कह चले लवाई बसन विचित्र पावड़े पर देखी धन ददन मद परिहरही अति सुंदर दीन उ जनवासा जहा सब का स... भाति सुपासा जनिस बरात आई कछु निज महिमा प्रगट जनाई हृदय सुमिर सब सि भूप पहुनय करण पठाई बरशि सुमन सुर सुन्दर गावयि मुदित देवदुन्दुबि जा आकाश में से पुष्प की वृष्टि करके देवताओं की पत्नियां सुंदरियां मंगल गीत गा रही प्रसन्न होकर देवताओं ने दुंदुबी नगारे बजाने चालू कर दिए वस्तु सकल राखीन रूप आगे महाराजा दशरथ जी के आगे सारा वस्तु अर्पण करके विनय की नीन अति अनुराग अति अनुराग से भाव से बिन्ती की स्वीकार करने हेतु उनका भाव देखकर महाराजा दशरथ जी ने प्रेम से सब वस्तुए स्वीकार की और याचिकों को बख्शिश देने लगे उसी में से फिर महाराजा दशरथ जी की बहुत प्रकार भाव से पूजन की और मान सम्मान आदर उनकी मान्यता बढ़ाई और मान सम्मान आदर के साथ जनवासे पर ले गए वहां पर ऐसे ऐसे सुंदर वस्त्र उनको नीचे कदम रखने के लिए बिछाए गए कि उनके उस बिछाने को उस वस्त्र को देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान भूल गए ऐसे उन्होंने भी कभी देखे नहीं होंगे अति सुंदर दिन न्यूजनवासा महाराजा दशरथ जी को बरात को इतना सुंदर जनवासा रहने का स्थान दिया गया वहाँ सभी प्रकार की सुविधा है। किसी प्रकार की कोई खामी नहीं है माँ जानकी जी ने सुना देखा कि बारात आ गई है तो कुछ अपनी महिमा प्रकट किए अपने मन से हृदय से स्मरण किया सारी सिद्धियों का और सिद्धियों को आदेश दिया बुलाया गया भूप पहुने करण पठाई महाराजा दशरथ जी की पहुनाई करने हेतु सिद्धियों को माँ जानकी जी ने आदेश दिया सिद्धि सब सी अकनी गई जहाँ जनवास सारी सिद्धियों ने माँ जानकी जी की आज्ञा आदेश सुना और तुरंत ही जनवास पर पहुँच गई लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास देवताओं को देव लोग को भी लज्जित करने वाले ऐसे सुंदर भोग विलास और ऐसी सुख संपदा वहाँ पर सिद्धि सारी लेकर सेवा में हाजिर हो गई किसी ने ये समझ नहीं पाए भगवान श्री राम जी केवल ये जानते हैं धन्यवाद्य शक्ति अभी से मेरे परिवार की सेवा में पहुंच गई तो माँ जानकी जी ने सिद्धि को आदेश दिया सारी सिद्धियाँ जनवासे पर पहुँच कर अवधवासी बरातियों की सेवा में जुड़ गई खूब आनंद से जनवासे पर इतनी दूर से आए तो विश्राम करें हम भी यहाँ पर विश्राम दे देते हैं जय सिया राम